नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा कलाकारों की कार भीषण हादसे का शिकार हुई है। हादसा इतना बुरी तरह का था कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। कार में सवार कलाकार भी बुरी तरह से जल गए हैं, जिनके शव को निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पूरा पुलिस बल और प्रशासन मौजूद रहा। हादसा रात लगभग 1:30 बजे के आसपास हुआ है। बताया जा रहा है कि इन दिनों बघेली कार्यक्रमों की आसपास के राज्यों में काफी मांग बढ़ी है, जिसकी प्रस्तुति करने ऑर्केस्ट्रा कलाकार अक्सर आते जाते हैं। कल भी नारीबारी में एक कार्यक्रम था, जिसमें ऑर्केस्ट्रा कलाकार गए हुए थे, जिसमें कुछ महिलाओं सहित पुरुष कलाकार भी थे। बताया जा रहा है कि रिंकू शुक्ला, जो कि जाने माने तबला वादक हैं, जिनकी कार एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई है। वहीं कार में अमित अग्रवाल की भी मौत की खबर आ रही है। अन्य कलाकारों के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्रों की माने तो रीवा पहुंचने के बाद कुछ कलाकारों को घर छोड़ दिया गया था, शेष कलाकार लौट रहे थे, जो चुरहटा बाईपास दुआरी के पास एक ट्रक से जा टकराए। टक्कर के बाद कार और ट्रक में आग लग गई। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। हादसे के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हादसे की खबर लगते ही रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, शहर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड सहित मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं आसपास के लोगों ने भी काफी मदद की है। घटना की सूचना लगते ही मृतकों के परिजन भी पहुँच गए हैं। हादसा किन कारणों से हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं घटना स्थल पर और दिखाते हैं वहां की ये तस्वीरें और सुनाते हैं इस संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने क्या कहा। ये क्या घटना और किस टाइम पे हुई अभी? ये बाईपास पे लगभग 1:30 बजे रात्रि को एक कंट्रोल रूम को मैसेज आया था कि एक ट्रक और एक कार की आपस में भिड़ंत हो गई है और जिसमें उसमें आग लग गई है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। ये घटना स्थल चोरहटा थाना क्षेत्र का है और जैसे ही थाना प्रभारी ने सभी अधिकारियों को बताया, सभी यहाँ पहुँच गए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी थे और तत्काल जो है इसमें राहत रेस्क्यू किया गया। उसमें फायर ब्रिगेड से बुझाने का प्रयास किया गया, क्योंकि ट्रक में ट्रांसफार्मर लोड है, उसमें आग लग गई थी, उसके आयल जल रहे थे, इसलिए लगातार जो है 3 घंटे तक उसमें आग लगी रही। और जो कार था उसमें ड्राइवर दिख रहा है जो अंदर जल गया है। अभी एफएसएल टीम जो है परीक्षण कर रही है, इसके बाद ही कहा जा सकेगा कि उसके अंदर कितने आदमी सवार थे कार में। ड्राइवर जो है एक्सीडेंट के बाद जो चक्षुदर्शी लोग हैं उन्होंने बताया है कि वो उतर के भाग गया है। अभी एफएसएल टीम लगी हुई है, वो अपना काम कर रही है, इसके बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग और कैजुअल्टी। मतलब अभी एक ही समझ में आ रही है? अभी फिलहाल तो एक ही समझ में आ रही है।